इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो हाँ जी अंकिल जी, नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ जी, मैं कह रहा था गाड़ी चलाते तो सब हैं, आपके पास होगी? जी है। आवाज से तो लग नहीं रहा है। क्या मतलब गाड़ी नहीं है? सॉरी सॉरी रखा क्या अपनी तरफ? भाई, सब गलत बात नहीं, मैं वह कह रहा हूँ, हो सकता हो। मैं कह रहा हूँ गाड़ी में चार टायर क्यों होते हैं, आज तक किसी ने समझने की कोशिश नहीं की। नहीं जानना भाई, क्यों दिमाग खराब एक कर रहा है सेकंड सुबह मैं सुबह? बताई, 2 मिनट लगेगा। चार गाड़ी आदमी के पास तब होती है जब आदमी के पास पैसा होता है। भाई साहब, पैसा तब होता है जब वो कमाता है। कमाता तब है जब वो या तो बिजनेस कर रहा हो या नौकरी। नौकरी और बिजनेस करने के लिए आदमी को प्रेरणा की जरूरत होती है, मोटिवेशन की। एक सेकेंड, मोटिवेशन आता है माँ बाप की शिक्षा से, संस्कार से और डांट से। और एक डांट जो माँ बाप अक्सर बच्चों को डांटा करते थे कि सुधर जा, ट्रैक पे आ जा, वरना चार लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, है कि नहीं? अब चार लोग अगर देखेंगे तो नजर लग जाएगी। बिल्कुल सही है। नजर उतारने के लिए क्या जरूरी है? काली मिर्च, नींबू। हाँ, और नींबू को टायर के नीचे रख के दबा देते हैं जब नई गाड़ी लेते हैं। हाँ अब चार लोग की नजर लगेगी अगर, तो हाँ चार नींबू लगेंगे, हाँ लग जाएंगे। तो चार नींबू चार टायर के नीचे, इसीलिए गाड़ी में चार टायर होते हैं। भाई साहब अच्छा, आज समझ आ गया। समझे आप? ऐसा करूंगा, तेरे को लिटा लूंगा और चारों टायर तेरे ऊपर से निकाल दूंगा। गलत काम, हिंसा वहां नींबू पर। की भाई तरह तेरा साहब सारा रस निकल जाए। गलत बात कर रहे हैं। गलत बात नहीं तो सुबह सुबह घड़ी नॉलेज तो आपको उसके भर का नहीं है, नींबू भर का। बता।